हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के इस वीडियो में हम 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 की प्रकृति को एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो आगामी 66वीं बीपीएससी में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले मैं उन्हें पैटर्न बता दूँ कि मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर में आपके 3 खंड होते हैं। सेक्शन 1 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। दूसरे सेक्शन में ज्योग्राफी और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो आपका थर्ड सेक्शन होता है उसमें साइंस और टेक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड 1 और खंड 2 से आपको 3-3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और खंड 3 से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। एक प्रश्न का जो अंक होता है वो 38 मार्क्स होता है, और जो साइंस टेक वाले प्रश्न होते हैं उनका जो नंबर होता है वो 36 नंबर होता है। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिया किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया। यह प्रश्न बेसिकली फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, और इस प्रश्न के माध्यम से जो कथन है उसके पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क प्रस्तुत करने हैं और निष्कर्ष लिखना है कि यह कहना उचित नहीं होगा कि संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिया किंतु दूसरे हाथ से ले लिया। आपको पॉइंट्स क्या क्या देने हैं? तो आप पक्ष में पॉइंट्स देंगे कि हर जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर तरह तरह के युक्तियुक्त बंधन लगाए हुए हैं। एक छोटी सी सूचना भी साझा कर दे रहा हूँ, इसके बाद हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप बीपीएससी के साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे 28 नवंबर सुबह 9 बजे से प्रीवियस ईयर के ट्रेंड एनालिसिस और क्वेश्चन के आंसर की एनालिसिस, ज्योग्राफी के लिए अनिल केसरी जो कि दृष्टि के टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं वो भी जुड़ेंगे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए आरती संजीव श्रीवास्तव, इंडियन पॉलिटी में दीपिका रेड्डी मैम, अंकित कुमार, दीपक कुमार सिंह जैसे टीचर जुड़ेंगे। इन वीडियोज़ के लाभ उठाने के लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसका लाभ उठाने के लिए आप कोड के रूप में EDUNIKETAN EDUNIKETAN का उपयोग कर सकते हैं। गोल में आपको UPSC सिविल सर्विसेज सेलेक्ट करना है। अब किस तरीके के बंधन लगाए गए हैं इसके देखते हैं। तो जो आर्टिकल 14 है उस पे 105, 194, 361 के तहत राष्ट्रपति को छूट दी गई है, विदेशी राजदूतों को छूट दी गई है, सांसद और विधानसभा के सदस्यों को छूट प्राप्त है। उसी की तरह 15 पे 15(3), 15(4), 15(5) के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। 16 की बात करें तो उसमें भी 16(3), 4), 5 के तहत अफर्मेटिव एक्शन के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी इन पॉइंट्स को आप दिखाएंगे, फिर आपातकाल की स्थिति में दिखाएंगे कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स दिया तो गया है लेकिन उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। लेकिन फिर आप काउंटर करोगे कि नहीं, यह कहना उचित नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीन लिए गए हैं, क्योंकि जितने भी युक्ति बंधन लगाए गए हैं वह इसलिए लगाए गए हैं कि फंडामेंटल राइट को लागू करने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, और सामाजिक सद्भावना और समाज की जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका भी उत्थान हो सके। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्र संस्था है। तो आपको इस प्रश्न में भारतीय जो व्यवस्था है उसकी तुलना ब्रिटिश व्यवस्था से करनी है। आपको बताना है कि भारत में संसद की सर्वोच्चता की जो संकल्पना है उसे लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ अब शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अमेरिका से भी तुलना करेंगे कि वहाँ पे जो टाइट कंटेनर्स की जो थ्योरी है वो भारत में लागू नहीं होती। भारत में शक्ति के संतुलन का सिद्धांत लागू होता है, और जो 3 अंग हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उनकी शक्तियाँ बटी हुई हैं। इसके साथ ही साथ आप 213 और 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्ति का भी उल्लेख करेंगे। इसके बाद
अब निष्कर्ष के रूप में बताएंगे कि हाँ, भारत में कानून यानी विधि निर्माण की शक्ति में संसद जो है सर्वोच्च नहीं है। उस फिर न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है उसे कुछ प्रमुख वादों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो आपको बिहार के स्पेसिफिक एग्जाम्पल देने होंगे, खासकर आप व्यक्ति प्रमुख किस तरीके से है, तो आप उसमें बताएंगे कि किस राजनीतिक दल में विचारधारा की जगह कैसे व्यक्ति की प्रधानता है। उसमें आप RDD का उदाहरण ले सकते हैं, लोजपा का उदाहरण ले सकते हैं, JDU का उदाहरण दे सकते हैं। इन दलों के माध्यम से आप व्यक्ति का भी नाम ले सकते हैं जो उनके प्रमुख लीडर हैं, कि कैसे वो दल से ऊपर हो गए हैं, यानी व्यक्ति उन्मुखी व्यवस्था, दलीय व्यवस्था किस तरीके से बिहार राज्य में है, इसे आप उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। इसमें आप जितना ज़्यादा उदाहरण कोट करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चाहे वो हम पार्टी हो या राष्ट्रीय विकास पार्टी हो, VIP पार्टी हो, सबका आप उदाहरण दे सकते हैं। इसमें ई शासन से आप क्या समझते हैं, ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। ई शासन को परिभाषित करते हुए, बिहार में ई शासन को लागू करने के लिए जितने भी पहल शुरू किए गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि राइट टू सर्विस लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। इसके अलावा कोरोना काल में लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो, या जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं जैसे कि कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, उनकी राशि DBT के जरिए उन खाते तक पहुँचाने की बात हो, या जितने भी तरह के सर्टिफिकेट हैं उस जैसे आय का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, इन सबको ऑनलाइन उपलब्ध करने की व्यवस्था बिहार सरकार ने किया है। इसके साथ ही साथ सारे जिला मुख्यालयों को केंद्रीय यानी जो पटना में स्थित सचिवालय है उससे जोड़ा गया है, तो इन चीज़ों का आप उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा सृजन चार्टर को वेबसाइट, सारे जो विभाग के वेबसाइट है उन पर अपडेट किया गया है। दूसरा जो सेक्शन है, भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। तो किस तरह से ट्रेंड रहा 1991 से, उस ट्रेंड को आप आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि GDP में क्या योगदान है, कृषि की विकास दर क्या है, कैसे इसमें वृद्धि हुई है, उत्पादन में किस तरीके से वृद्धि हुआ है, इनको आप आंकड़ों के जरिए प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा बिहार में उत्पादन और उत्पादकता को, तो इसमें आप कृषि के तृतीय रोड मैप, कृषि निर्यात नीति, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, सहकारी कृषि को बढ़ावा देना, इन सारी चीज़ों का उल्लेख आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। तो पहले तो आप आर्थिक नियोजन को परिभाषित करेंगे, इसके बाद आर्थिक सुधार भारत में कब कब से शुरू किए गए, उनमें से मुख्य सुधारों का उल्लेख करेंगे, जैसे बैंकिंग सेक्टर में सुधार, LPG की नीति को लागू किया जाना। अब आप बताएंगे कि योजना आयोग की जगह पे निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने के लिए नीति आयोग जो का गठन किया गया, तो नीति आयोग में कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए हैं। फिर कुछ आंकड़ों के आधार पर इसके सकारात्मक भूमिका को आप बताएंगे कि कैसे निजी क्षेत्र ने सरकार के साथ मिलकर रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। इसके बाद MSME की नई जो परिभाषा है जिसमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों को अलग कर दिया गया है, उस परिभाषा को दिखाएंगे। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपकरणों की क्या भूमिका रही है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो आत्मनिर्भर भारत के जो प्रावधान हैं 1, 2 और 3, तीनों का आप उल्लेख कर सकते हैं। उसमें कितनी राशि किस सेक्टर को दी गई है, कौन कौन से मेन पिलर्स हैं, जो 4D की बात की गई है, वो 4D का आप उल्लेख इसमें कर सकते हैं। बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं,
इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जा सकते हैं। तो सीधे सीधे आपको 10 से 12 बाधाएं बता देनी है, जैसे तीव्र आर्थिक विकास में क्या बाधा है, बिहार की भौगोलिक स्थिति, दूसरा बिहार में अवसंरचनात्मक विकास का कम होना, औद्योगिक नीति का सुस्पष्ट न होना, कानून व्यवस्था की लचर स्थिति, सरकारी मंत्रालयों में भ्रष्टाचार का व्याप्त होना, इसके अलावा कृषि पर अधिक भार, सब बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का होना, बिजली की 24/7 आपूर्ति का नहीं होना, कुशल श्रमिकों का अभाव एवं राजनीतिक दृढ़ शक्ति इच्छा शक्ति का अभाव, इन चीज़ों को आप उल्लेख कर सकते हैं। और जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के आप उपाय में क्या बताएंगे, जैसे कि किसी क्षेत्र में विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, इसके साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण में मूल्य संवर्धन किस तरीके से किया जाए, 24/7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, मजदूरों को कौशल विकास किया जाए, किसी रोड मैप नीति को लागू किया जाए, केंद्र की जो योजनाएं हैं जैसे मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, मेक इन इंडिया योजना, इनको लागू किया जाए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण एवं SC/ST वर्ग के जो उद्यमी हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाना, इन चीज़ों का आप उल्लेख उपाय के रूप में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है, इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को शो उदाहरण विस्तार से विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को हम अब अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। इसके बाद जो साइंस टेक से अगला प्रश्न था वह है कि वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि, इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए। आपको 4 पॉइंट्स बना लेने हैं इन्हें अलग अलग करके, और फिर चारों के लिए जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए क्या होनी चाहिए, तो आप बताएंगे कि परिवार नियोजन की नीति को कठोरता से पालन किया जाए, 2-child पॉलिसी को अपनाया जा सकता है, TFR दर को नियंत्रित करना, तो इन उपायों को आप बताएंगे। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्च जोखिम को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो स्वच्छता यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण को अच्छे से लागू करना, इसके अलावा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं का संचालन, GDP में जो स्वास्थ्य पे खर्चे हैं उसे बढ़ाना, डॉक्टर्स और पेशेंट की जो रेशियो है उसे WHO के मानकों के अनुकूल बनाना, एवं प्रत्येक जिले में कम से कम एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है, इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों के द्वारा समझाइए। यह भी फ्लैट क्वेश्चन है जिसमें आपको बिहार में बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदा को बताना है कि किस तरीके से, कुछ आप प्रमुख बाढ़ और सूखा का उल्लेख कर लेंगे, जैसे 2008 में आए कोसी बाढ़ का उल्लेख करेंगे। इसके बाद किस तरीके से इसके पूर्वानुमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका हो सकती है, कौन कौन से ऐप इसके लिए बिहार सरकार ने जारी किए हैं, रेडियो प्रसारण के जरिए क्या भूमिका हो सकती है, सोशल मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इन चीज़ों का आप उल्लेख कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि COVID-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने और राष्ट्र के विकास की गति प्रदान करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप क्या करेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सारे सेक्टर्स को अलग अलग बांट देंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि जैसे शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार से फिर से नौकरियां जनरेट की जा सकती हैं, आप कुछ अनअकैडमी, बायजू जैसे कुछ लर्निंग ऐप्स का नाम बताएंगे जो कि इस काल में भी शिक्षा को दूर दराज तक पहुंचाने में संघर्षरत हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन, इसके कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य की पहुँच है उसमें जो अंतर है उसको कम किया जा सकता है। व्यापार के क्षेत्र में
ई कॉमर्स का किस तरीके से सहायक हो सकता है इसे आप बताएंगे, यानी इस तरीके से आप डायमेंशन को खोलने की कोशिश करेंगे। इस बार के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पिछले साल के प्रश्नों की तुलना में पैटर्न जो उनका है वो सेम है, लेकिन जो सेक्टर खोजे गए हैं, जैसे इस बार कोर जियोग्राफी से बात की जाए तो मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में बाढ़ और सूखा को लेकर, खनिज संपदा से इस बार कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी भविष्य में वीडियो बनाते रहें। एक और सूचना है कि जितने भी ऑप्शनल पेपर हो रहे हैं बीपीएससी में, उन सारे ऑप्शनल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सारे के पेपर हम आपको 28th को एग्जाम के बाद उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, यानी कि LSW, PSIR, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, हिंदी साहित्य सारे क्वेश्चंस आप इस चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।